नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं DTU के एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे हैं, सर DTU को समझा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि DTU की जो कट ऑफ है वो आने वाली थी 29th of September को, और यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ BBA एडमिशन हैज़ बिन डिलेड ड्यू टू द टेक्निकल इशूज़, मतलब कुछ डिले हो गया था। तो कल ही इन लोगों ने अपना जो है कट ऑफ रिलीज़ करा है BBA के रिगार्डिंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था DTU के लिए, उनकी अब कट ऑफ आ चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और कट ऑफ आपको देखनी कैसे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। इस कट ऑफ को देखने से पहले आप लोगों को इसकी एब्रीविएशन को समझना जरूरी है। जैसे कि कैटेगरी आप देखते हैं, OP मतलब जनरल है, BC बैकवर्ड कास्ट, SC स्केड्यूल कास्ट, ST स्केड्यूल ट्राइब, इस तरीके से इन्होंने सारी शॉर्ट फॉर्म्स यहां पे लिख दी और सब कैटेगरी के बारे में भी लिख दिया है। मेन ये कैटेगरी होती है और उसके अंदर जो सब कैटेगरी होती है वो भी देखी जाती है। तो हम यहाँ पे एक इनका जो नोट दिया वो भी पढ़ लेते हैं। द सीट अलॉटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इन केस स्टूडेंट फेल्स टू सबमिट वैलिड डॉक्यूमेंट टू रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, देयर एडमिशन विल बी कैंसल्ड एंड स्टूडेंट विल हैव नो क्लेम ऑन द सीट अलॉटमेंट। आपको समझ में आ गया होगा, आपको अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराना जरूरी है जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है। अगर मैं एब्रीविएशन के थ्रू आपको कट ऑफ देखने के लिए बताऊँ तो कैसे देख सकते हैं, STNOS का मतलब है स्केड्यूल ट्राइब आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे STNOS मतलब आउटसाइड दिल्ली ST स्टूडेंट्स है। OHS का मतलब होता है आपका इनसाइड दिल्ली, STNOHS मतलब इनसाइड दिल्ली कैटेगरी, आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद OP जो कैटेगरी है यहां पे आपको जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए रखी है उन्होंने, तो आप यहां पे देख सकते हैं OP OPPHOS का मतलब हो गया जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। आपको इतना समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको अपनी कट ऑफ देखनी होगी। अब हम बात करते हैं ऊपर जाने के बाद, आप यहाँ पे देखेंगे DW इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। NSUT की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे 2523 के आसपास गई है। अगर हम DTU की कट ऑफ देखें तो OPNOHS के लिए हम जनरल दिल्ली की कट ऑफ देखेंगे और यहाँ पे गया है 102 रैंक लास्ट गया है, परसेंटेज ली गई है 97। OPNOS का मतलब हो गया यहाँ पे आपका जनरल आउटसाइड दिल्ली इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप देखेंगे तो 112 कट ऑफ गई है। OPNOS अगर आप दिल्ली जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो NSUT की गई है 940 BDFT मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। OPNOS मतलब जनरल कैटेगरी NSUT के लिए गई है 80 रैंक। तो इस तरीके से आपको अपनी कट ऑफ देखनी होगी। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है अब उनको अपने काउंसलिंग में यहाँ पे लॉग इन करके चेक करना होगा, अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना होगा, वहीं पे आपको पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा ताकि आप अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सके। अभी मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कि पेमेंट इन्होंने ऑनलाइन का दिया या नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास लॉग इन ID पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। अब आप जितने भी स्टूडेंट्स जिनको अलॉटमेंट मिल गया है दे हैव टू फ्रीज दी सीट, और अगर उनको सीट पसंद नहीं आ रहा है वो ट्राई करना चाह रहे हैं नेक्स्ट में दूसरे कॉलेज के लिए, जैसे कि NSUT नहीं चाहिए आपको DTU में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं अपना फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट करने से क्या होगा, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये कॉलेज तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। और इस तरीके से आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहता तो अपनी सीट फ्रीज करिए और ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी सीट कर लीजिए वेरीफाई, और इसके बाद आपको कॉलेज में जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कट ऑफ में क्या होगा, जितनी भी सीट्स वैकेंट रह जाएगी वो नेक्स्ट राउंड के अंदर आगे वाले स्टूडेंट्स को ऑफर करी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी आई होप कट ऑफ चेक कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, क्वेरी रह गया, तो आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसे भी रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।